क्या बसपा अध्यक्ष मायावती ने नरेंद्र मोदी को वोट देने की अपील की है? सोशल मीडिया पर एक वीडियो क्लिप वायरल होने के बाद ये सवाल पूछा जा रहा है। श्री नरेंद्र मोदी जी ने तो आपको फ्री में राशन दिया है, आप ये जो कर्ज है तो इस चुनाव में आपको अदा करना है, वोट के रूप में बीजेपी को वोट देकर आपको ये कर्ज अपना अदा करना है। इस वीडियो में सुना जा सकता है कि बसपा अध्यक्ष मायावती कह रही हैं कि श्री नरेंद्र मोदी जी ने आपको फ्री में राशन दिया है, आपको ये कर्ज इस चुनाव में वोट के रूप में अदा करना है, बीजेपी को वोट देकर आपको ये कर्ज अपना अदा करना है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो रहा है, जिसके बाद लोग दावा कर रहे हैं कि बसपा अध्यक्ष मायावती ने पीएम मोदी को जिताने की अपील की है। मामला गंभीर है, इसलिए हमने भी इस वीडियो की जाँच की और इसको फैक्ट चेक करने की कोशिश की। जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, असल में वो यूपी के आगरा में हुई बैनजी की रैली का है। बैनजी ने आगरा की रैली में मोदी के फ्री राशन की बात कही थी, लेकिन हकीकत यह है कि जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है वो आधा अधूरा है। इस वीडियो का एक हिस्सा काटकर उसे गलत संदेश के साथ वायरल किया जा रहा है, इसलिए आपको पूरा हिस्सा सुन लेना चाहिए। श्री नरेंद्र मोदी जी ने तो आपको फ्री में राशन दिया है, आप ये जो कर्ज है तो इस चुनाव में आपको अदा करना है, वोट के रूप में बीजेपी को वोट देकर आपको ये कर्ज अपना अदा करना है। जब यहाँ असेंबली का चुनाव हुआ तो असेंबली के चुनाव में भी और अब लोकसभा चुनाव में भी पूरे देश के अंदर तो जो सर्व समाज में से जो गरीब लोग हैं, जिनको इन्होंने फ्री में थोड़ा राशन आदि दिया है, खाद्य सामग्री आदि दी है, तो उसके एवज में तो ये इन्होंने असेंबली के चुनाव में भी लोगों को गुमराह करने के लिए और अब लोकसभा चुनाव में भी तो बीजेपी और आरएसएस के लोग तो अपने कंधे पे थैला टांग कर तो गांव-गांव में घूम रहे हैं और क्या कह रहे हैं कि देखो श्री नरेंद्र मोदी जी ने तो आपको फ्री में राशन दिया है, तो आपके ऊपर मोदी जी का बहुत कर्ज है, तो आप कर्ज के रूप में तो आप ये जो कर्ज है तो इस चुनाव में आपको अदा करना है, वोट के रूप में बीजेपी को वोट देकर आपको ये कर्ज अपना अदा करना है। लेकिन मैं अपने ऐसे सभी लोगों को, गरीब लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि वर्तमान में केंद्र की जो भाजपा सरकार ने जो गरीब लोगों को थोड़ा जो फ्री में राशन आदि दिया है, तो ये कोई बीजेपी ने अपनी जेब से नहीं दिया है, श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपनी जेब से नहीं दिया है, बल्कि आप लोग जो यूपी गवर्नमेंट को या केंद्र की सरकार को जो भी टैक्स देते हैं, उस टैक्स के पैसे से टैक्स तो आपका है, टैक्स जनता देती है, तो जो पैसा आप लोग टैक्स के रूप में देते हैं उस पैसे से ये राशन दिया जा रहा है। इसमें बीजेपी का कोई एहसान नहीं है और ना ही श्री नरेंद्र मोदी जी का, इनका कोई एहसान नहीं है, कोई कर्ज नहीं है, आप लोगों का ये पैसा है, आप लोगों ने टैक्स के रूप में इसको दिया, तो इसलिए आप लोगों को ये नहीं सोचना है कि हमने उनका नमक खाया है, ये नमक तो आप ही लोगों का है, आप लोगों ने टैक्स दिया उससे आप लोगों को ये फ्री में राशन आदि दिया गया है, तो इनके बहकावे में आप लोगों को कतई भी नहीं आना है। तो सुना आपने, बहन जी तो ये कह रही हैं कि मोदी की ओर से मिल रहा राशन कोई एहसान नहीं है, बल्कि आपके दिए हुए टैक्स के पैसे से ही राशन दिया गया है। लेकिन कुछ लोगों ने इस बयान का एक हिस्सा काटकर उसे वायरल कर दिया और ये फेक न्यूज़ फैलाने की कोशिश की कि देखो बहन जी भी मोदी को ही जिताना चाहती हैं। इस बारे में खुद बहन कुमारी मायावती ने भी ट्विटर पर लिखा और इस फेक न्यूज़ का खंडन किया। मायावती ने ट्विटर पर लिखा, सर्वविदित है कि आज आगरा की विशाल चुनावी जनसभा सहित अपनी सभी जनसभाओं में केंद्र द्वारा थोड़ा फ्री राशन देकर वोट मांगने की चुनावी चाल की निंदा करती हूं कि ये कोई उपकार नहीं बल्कि ये लोगों के टैक्स का ईंधन है जो जनता पर खर्च हो रहा है, अतः ऐसे हथकंडों से सावधानी जरूरी है। फिर भी अब इसको लेकर पूरी तरह से ये गलत व फेक वीडियो बनाकर भाजपा के पक्ष में प्रचारित करने का बेहद अनुचित राजनीतिक प्रयास किया जा रहा है, जिसके संबंध में पुलिस व चुनाव आयोग को भी तत्काल सख्त कानूनी कार्रवाई करने की जरूरत है।
यानी खुद बेंची ने भी इस फेक न्यूज़ का भंडाफोड़ कर दिया, लेकिन अभी तक इस मामले में किसी की गिरफ्तारी या कोई कानूनी कदम उठाने की खबर सामने नहीं आई है। जबकि दूसरी ओर गृह मंत्री अमित शाह के आरक्षण पर वायरल हुए फेक वीडियो के मामले में तेलंगाना के मुख्यमंत्री तक को समन भेजे जा रहे हैं, लेकिन बेंची के केस में ना ही पुलिस और ना ही चुनाव आयोग ऐसी कोई तेजी दिखा रहा है। ऐसे में बहुजन समाज की जिम्मेदारी है कि वो इस झूठ से पर्दा उठाए। इसलिए हमारी आपसे अपील है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको भी सच्चाई पता चल सके। वीडियो पर आप अपनी राय कमेंट में लिख सकते हैं। आपसे अपील है कि द न्यूज वीक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो के अंत में आपसे एक छोटी सी अपील। साथियों, अगर आपको द न्यूज वीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अंबेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें, तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज वीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी UPI ID newsweek@yesbank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज वीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358700000640, IFSC कोड है SB000235, बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें। टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।